फाइनली बाबा की अति की कृपा और महाकाल की प्रेरणा के फलस्वरूप रुद्रपुर बस स्टैंड के पास खड़े होके टनकपुर की बस का इंतज़ार करते हुए, जो बस बाहर डायरेक्ट लगी हुई है वो 6 बजे जाएगी, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कोई बस डायरेक्ट दिल्ली साइड से आने वाली मिल जाए, इस वजह से मैं उसके दूसरे वाले गेट पर खड़ा हूँ, क्योंकि सवारियाँ इसी गेट पर उतारी जाती हैं बसों द्वारा। और ये रोडवेज रुद्रपुर का एक गेट, बाबा की अति की कृपा और महाकाल की प्रेरणा के फलस्वरूप गायत्री चेतना केंद्र रुद्रपुर में, जैसे ही मैं उस पुलिया पे पहुंचा, जैसा कि मेरे मन में आशंका थी, गायत्री माता की आरती की शुरुआत होने के लिए जो ट्यून बजनी शुरू होती है, तो तुरंत गेट तो नहीं खुला था, लेकिन किनारे के साइड से जाने के बाद जो मंदिर का मुख्य गेट है उसको खोला और उसके बाद अंदर आरती में शामिल होने का मौका मिला। और चंद्रदेव के दर्शन बहुत ही दिव्य दर्शन थे आज के। कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, 28 अक्टूबर 2023, इंदिरा चौक। अभी तक कोई बस आई नहीं है, वैसे रुद्रपुर हल्द्वानी वाली एक बस लगी है, बाकी तो कोई बस नहीं दिखाई पा रही। चलिए देखते हैं, इंतज़ार करते हैं।